अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको फिल्में देखना और किताबें पढ़ना पसंद है? और क्या आपको भी ऐसे किरदार पसंद आते हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, ऐसी कहानियां पसंद आती है, लेकिन वो हर बार स्ट्रगल को पार करके जीत हासिल करते हैं और लोगों का प्यार हासिल करते हैं और सबके चहेते और फेवरेट बन जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एक बढ़िया कहानी की रूपरेखा को भी अच्छे से समझ सकते हैं, जो ऑटोबायोग्राफी लिखने में काफी मददगार साबित होगी। जी हाँ, ऑटोबायोग्राफी क्या है, ये इसे कब लिखना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, इस तरह के सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि आज क्विक सपोर्ट आपके लिए ऑटोबायोग्राफी लिखने से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर आया है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ऑटोबायोग्राफी लिखने से जुड़ी हर जरूरी बात स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा क्या होती है। हर इंसान की एक जिंदगी होती है, एक लाइफ होती है, जिसमें उसके बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, मेमोरीज होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, जिनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स होते हैं तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, कुछ खास होता है तो कुछ बहुत ही ऑर्डिनरी होता है। ऐसा सभी की लाइफ में होता है। और जब किसी व्यक्ति की लाइफ के इन सारे फ्लेवर्स को उसके द्वारा एक साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी के तौर पर लिख करके पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। यानी अपने जीवन की कहानी खूबसूरती से पेश करना ही आत्मकथा कहलाता है, जिसमें सभी फैक्ट्स सच हो और लेखन इतना इंटरेस्टिंग हो कि हर कोई आपकी लाइफ से जुड़ी उस किताब को पढ़ना चाहे, तभी एक सक्सेसफुल ऑटोबायोग्राफी तैयार हो पाती है। वैसे अब सवाल उठता है कि ऑटोबायोग्राफी लिखने का सही समय कौन सा है? तो असल में जब एक इंसान को ये रियलाइज हो जाए कि उसने अपने हिस्से की जिंदगी पूरी जी ली है और अब उसके पास दुनिया को बताने के लिए एक ऐसी कहानी है जिसका हीरो वो व्यक्ति है और उसने लाइफ में आने वाले हर खुशी और गम के लम्हे को बखूबी जी लिया है, तब कोई भी व्यक्ति एक बढ़िया सी कहानी के रूप में अपनी आत्मकथा को लिख सकता है। अब आगे बात करते हैं आत्मकथा लिखने के प्रोसेस की। तो फर्स्ट स्टेप है कि इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स को नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले अपनी लाइफ से जुड़ी सभी स्पेशल मोमेंट्स को याद करके एक जगह लिखना शुरू कर दीजिए। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी लाइफ को फ्लैशबैक में देखना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी खास बात मिस ना हो जाए। इस दौरान इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाते टाइम कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आपके जन्म से जुड़ी सभी जरूरी बातें शामिल करें, अपनी फैमिली हिस्ट्री का जिक्र भी जरूर करें, बचपन की खास इंसिडेंट्स, एजुकेशन से जुड़े किस्से और यंगस्टर के तौर पर आपकी लाइफ के स्पेशल वाक्य को जरूर लिख लें। कहानी को शुरू करने के लिए कुछ ट्विस्ट इस्तेमाल करें, जैसे अपने जन्म से शुरू ना करके कहानी को किसी और जगह से शुरू करें ताकि वो दिलचस्प लगे। अपनी लाइफ से जुड़े वो किस्से जरूर लिखें जिनसे आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आए हो। अपनी वो मिस्टेक्स भी लिख सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। इस तरीके से अपनी लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जरूरी बात लिख करके रख लीजिए, ताकि स्टोरी बनाते समय आप कुछ भी मिस ना करें। दूसरा स्टेप आता है कि आपकी कहानी के खास किरदारों को चूज कीजिए। जी हाँ, अब बारी आती है अपनी कहानी के खास किरदारों को चुनने की। तो जिनमें आपके फैमिली मेंबर्स के अलावा आपके दोस्त, कलीग्स, नेबर्स, रिलेटिव्स और कुछ अजनबी भी शामिल हो सकते हैं। मेन कैरेक्टर्स चुनते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो किरदार आपकी स्टोरी को खूबसूरती से आगे बढ़ा रहे हो, उन्हें खास महत्व दीजिए। फिर चाहे वो आपका कोई विरोधी ही क्यों ना हो, दोस्त हो या आपका पार्टनर हो। मेन कैरेक्टर्स चुन लेने के बाद आप स्टोरी को ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बचपन से जुड़े किस्से, जवानी के किस्से, नौकरी के दिनों के किस्से, आपकी उपलब्धियाँ और आपकी गलतियाँ। इस पैटर्न को फॉलो करते टाइम कहानी को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अच्छे शब्द और दिलचस्प किस्से जरूर से जोड़ें, जो हर किसी की लाइफ में होते रहते हैं। तीसरा स्टेप आता है कि खुलकर के लिखिए। जी हाँ, आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब स्वयं की उपलब्धियाँ लिख देना या बहुत सारी तारीफें करना नहीं होता है, बल्कि पन्नों पर अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से पेश करना होता है कि पढ़ने वाले को लगे कि वो आपको करीब से जानता है और आपके सुख दुख को महसूस भी कर रहा है। इसीलिए कहानी लिखते समय खुलकर के लिखिए, ईमानदारी से लिखिए, जैसे कि आप अपने किसी खास दोस्त से बात कर रहे हो और इस कहानी में अपनी वो सारी बातें बताइए जो आपके व्यक्तित्व को बयान करती हो, यानी आपकी खूबियों के साथ साथ आपकी खामियों को भी।
तो इस आत्मकथा को आप अगर अपनी लैंग्वेज में ही लिखेंगे तो खुद को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसीलिए अपनी भाषा को ही चुनिए, फिर चाहे वो कोई भी भाषा हो। आगे चौथा स्टेप आता है कि एक बढ़िया रणनीति बनाइए। जी हाँ, अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए सभी जरूरी पॉइंट्स को मेंशन कर लेने के बाद अब जरूरत है एक रणनीति बनाने की, एक प्लान बनाने की, जो आपको बताएगी कि आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू होगी और इसका एंड कैसे होगा। याद रखिए, स्टोरी का स्टार्ट, मिड पार्ट और एंड पार्ट तीनों ही एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और टची होने चाहिए, तभी आपकी स्टोरी शुरू से एंड तक पढ़ी जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी स्टोरी में हर तरह का फील शामिल हो सके, जैसे खुशी का, गम का, जीत का, हार का, प्यार का, विरोध का, सपनों का, उपलब्धियों का, खोने का और पाने का, ताकि पढ़ने वाला कभी हंस पड़े और कभी कभी उसकी आंखें नम हो जाएं। कहानी लिखते समय याद रखिए कि भले ही उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ रोचक बातें और किरदार जोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी कहानी का आधार रियलिटी पर बेस्ड ही होना चाहिए। किताब को चैप्टर्स में आप डिवाइड कर लीजिए ताकि उसे पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाए और लिखते टाइम आपको भी काफी आसानी हो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से लिखना नहीं जानते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसके लिए किसी भी प्रोफेशनल राइटर की मदद ले सकते हैं, जो आपके लिए कहानी को खूबसूरत रूप में पेश कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी कहानी में ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी को गलत मैसेज दे या फिर किसी का अपमान करे। आगे पांचवें स्टेप की बात करते हैं, किताब को एडिट करिए। अपनी पूरी लाइफ को कागज के पन्नों या कंप्यूटर के फोल्डर पर बखूबी उतार लेने के बाद अब बारी आती है एडिट करने की। अपनी कहानी को ध्यान से पढ़िए, चेक कीजिए कि आपने अपनी लाइफ के सभी इम्पोर्टेंट स्टेजेस और इवेंट्स को इसमें शामिल कर लिया है। इसके अलावा बुक का सीक्वेंस भी वैसा ही है ना जैसा आपने प्लान किया था। एक बार अच्छे से एडिट कर लेने के बाद इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको सही फीडबैक मिल सके और मार्केट में जाने से पहले आप एक बार रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके। आगे बात करते हैं छठे स्टेप की, प्रूफ रीडिंग और टाइटल। जी हाँ, बुक एडिट कर लेने के बाद आप किसी कॉपी एडिटर की मदद से अपनी बुक को फाइनल टच दे सकते हैं और इसकी प्रूफ रीडिंग करके अशुद्धियों से बच सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कहानी का एक ऐसा टाइटल ढूंढिए जो आपकी कहानी को कुछ ही शब्दों में अच्छे से बयान कर सके और कैची भी हो। आपकी हेल्प के लिए कुछ फेमस बायोग्राफीज के नाम भी आपको बताते हैं, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर और शूट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। तो ऐसी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं। आगे बात करते हैं सातवें स्टेप की, बुक को पब्लिश करवाना। बुक को पब्लिश करवाते टाइम ये सोच लीजिए कि आप इस बुक को किस लेवल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं। क्या आप इसे अपने कुछ खास लोगों को देना चाहते हैं या बड़े स्तर पर इसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? इसी के बेस पर आप बुक की सिंपल फोटोकॉपी करवा करके भी एक बुक तैयार कर सकते हैं और किसी पब्लिशिंग हाउस से भी बुक पब्लिश करवा सकते हैं। और आप चाहे तो अपनी बुक ऑनलाइन भी पब्लिश कर सकते हैं, इसीलिए पहले से तय कर लीजिए कि आप कितनी दूरी तक आपकी कहानी पहुंचाना चाहते हैं और फिर उसके अनुसार आप ऑप्शन चूज कर लीजिए। इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि अगर आप बड़े लेवल पर बुक पब्लिश करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना बजट भी काफी बड़ा रखना होगा। किताब लिखना, वो भी खुद की कहानी लिखना, बहुत आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखते हुए और सोसाइटी के प्रति अपनी ड्यूटी याद रखते हुए पूरी ईमानदारी से इसे लिखे तो ये काफी आसान भी हो सकती है और फेमस भी। इसीलिए अपनी ब्यूटीफुल लाइंस को पन्नों पर उतारने में बिल्कुल ना झिझके। और आजकल तो सोशल मीडिया भी है, आप पब्लिश भी कर सकते हैं, उसे ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं अपनी बात, अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसी इनोवेटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल यानी कि क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप इस चैनल की हर नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कोई आपका दोस्त है जिसमें शायद ये टैलेंट है लिखने का, तो प्लीज आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।